इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अहम खबरों पर एक नज़र। कर्नाटक में कोरोना मुतासिर के नए मामलों में गिरावट के बाद रियासत हुकूमत ने अगले हफ्ते से अनलॉक में और ज़्यादा छूट देने का फैसला लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ हफ्तों से कोविड के नए मामलों में ज़बरदस्त गिरावट के बाद रियासत में 19 जुलाई से नाइट कर्फ्यू भी हटाने का और तमाम कारोबार को पूरी तरह से शुरू करने का ऐलान कर सकती है। इसके अलावा बीएसएड्रप्पा इक्तदार हुकूमत ने मल्टीप्लेक्स और थिएटर खोलने की भी मंजूरी दे दी है। इत्तला के मुताबिक सीएम ने मॉल मालिकों की अपील पर गौर फिक्र करने के बाद यह फैसला लिया है। उन्होंने सरकार से उनका बिजनेस फिर से शुरू करने की मांग शॉपिंग मॉल वालों ने की थी, जिसकी इजाजत भी दे दी जा रही है। लिहाजा कई अफवाहें गश्त कर रही थी कि फिर से लॉकडाउन करने का फैसला हुकूमत ले सकती है, पर कोरोना मरीजों की घटती तादाद के मद्देनजर रियासत में अब पहले की तरह सभी कारोबार शुरू किए जाएंगे। रात का कर्फ्यू भी हटाया जा रहा है। आज बेलगाम जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद फिर 50 से भी कम रही। कुल 44 पॉजिटिव मरीज पाए गए। आज बेलगाम शहर में बारिश की वजह से कुछ हद तक भीड़ भी कम रही, पर तिजारतें रफ्तार पकड़ती नजर आ रही है। ग्राहकों की चहल पहल भी बाजारों में बढ़ गई है। दुकानदार ताजीर बाजारों में चहल पहल से काफी खुश नजर आ रहे। मजीद खुशी की बात भी यह रही कि कुछ ताजीर फिर लॉकडाउन की अफवाह से मायूस नजर आ रहे थे, क्योंकि अभी अभी दुकानों को शुरू किया गया था। लिहाजा अब तो रात का कर्फ्यू भी हटाए जाने के फैसले से ताजिरों में खुशी का इजहार किया जा रहा है। एमके हुबली में महज 1500 रुपए के लिए कत्ल के मामले में पुलिस ने 5 अपराधों को गिरफ्तार किया है। कुल 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें 5 की गिरफ्तारी अमल में आई है। वाजा रहे इतवार रात को एमके हुबली पंचवटी ढाबे में महज 1500 रुपए के लिए बैच जारी थी। लिहाजा ढाबे के मालिक ने दोनों गिरोह में सुलह करने की कोशिश पर सुलह करने वाले ढाबा मालिक पर ही हमला किया गया, जिसका नाम प्रकाश नागनूर है। उम्र 35, हाथापाई में वो शख्स जमीन पर गिरने के बाद सर पर चोट आई, जिसमें उसकी मौत हो गई। आज शनाख्त की गई और 8 में से 5 को गिरफ्तार किया गया। बेलगाम शहर से 20 किलोमीटर की दूरी पर वंटमुरी घाट में खौफनाक हादसे में 2 अपराधों की जगह पर ही मौत हो गई, जिसमें ट्रक और कंटेनर के पुर्जे बिखरे हुए थे। हासिल इत्तला के मुताबिक बम्बई ढाबे के नज़दीक रात 12 बजे नमक के थैलों से लदा कंटेनर शिगांव से उत्तर प्रदेश के लिए जा रहा था। कंटेनर बेकाबू होकर डिवाइडर को तोड़ते हुए दूसरी तरफ चला गया। सामने से प्याज से लदा हुआ ट्रक वो भी तेजी से आ रहा था और तेज रफ्तार कंटेनर का पिछला हिस्सा ट्रक पर गिर पड़ा, तो इंजन ढाबे के सामने खड़ी टेम्पो को जोरदार ठोकर मारी। कंटेनर का पिछला हिस्सा ट्रक पर गिरने से ट्रक पूरी तरह से दब गया, जिसमें ट्रक ड्राइवर राजेंद्र डोईफोड़े की जगह पर ही मौत हो गई। कंटेनर का ड्राइवर नीरज भी शदीद जख्मी हुआ, पर अस्पताल जाने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। इस हादसे के बाद कई घंटों तक ट्रैफिक जाम हो गया, जिसे आज सुबह हटा दिया गया। अनलॉक होने के बाद लोगों में बाहर घूमने फिरने का रुझान भी बढ़ता जा रहा है। कई जगहों पर लोगों की भीड़ देखी जा रही है। अम्बोली में कर्नाटक महाराष्ट्र से सैकड़ों लोगों का जाना शुरू हुआ। इसी तरह बेलगाम बस डिपो से गोका फॉल, सिडकल डैम, गोडचिन मलकी के लिए खास बसेस की सहूलत मुहैया कराई जा रही है, जिसे आवाम की जानिब से भी काफी दिलचस्पी दिखाई जा रही है। शनिचर, इतवार और सरकारी छुट्टियों के दिन सुबह 9 बजे बेलगाम से बस गोका की तरफ रवाना होगी और हिडकल डैम, गोडचिन मलकी फॉल्स का नजारा देखकर शाम को वापसी होगी, जिसका किराया 180 रुपये रखा गया। कर्नाटक दलित युवा संगठन की जानिब से आरडीसी बेलगाम को मरकजी मोदी हुकूमत के खिलाफ मुतालबा पेश करते हुए सख्त अल्फाजों में मोदी सरकार के मनमानी कारोबार पर मजम्मत फरमाई गई और डीजल, पेट्रोल, गैस के बढ़ते दामों को घटाने की मांग करते हुए अगर कीमतों को न घटाया गया तो मुल्क की सतह पर दलित और दिगर तंजीमों की जानिब से आंदोलन छेड़ने की भी बात कही गई। इस वक्त दलित युवा संगठन के कारकुनों ने कसीर तादाद में शिरकत फरमाई थी। खासतौर पर महेश कोलकार, बालकृष्ण कांबड़े, सुनील बस्तवाड़कर, मारुति कांबड़े, विट्ठल तलवार, संभाजी कोलकार, भरमेश कांबड़े, संतोष बरगाल, विरोध कांबड़े और दिगर जिम्मेदारान मौजूद रहे। अब कुछ दिगर सुर्खियां। कल बेलगाम कारपोरेशन के सामने कन्नड़ परचम को एक बार फिर लहराने की कोशिश कुछ कन्नड़ तंजीमों के कारकुनों ने की थी, जिन्हें पुलिस ने रोका था, पर आज पुराने परचम को निकालकर नया परचम लहराया गया। बेलगाम कारपोरेशन के सामने का इहाता सीसीटीवी के जेर निगरानी होने के बावजूद भी किसने परचम लगाया अब तक जाहिर नहीं किया गया।
आज कैम पुलिस की जानिब से गैर कानूनी शराब की तकरीबन 180 बोतलें जिसकी कीमत 50,000 से भी ज्यादा है बरामद की गई और साथ में बोलेरो कार को भी जब्त किया गया। खानापुर एमएलए अंजलि निंबाड़कर ने हाल ही में खानापुर की सड़कों को बेहतर बनाने के लिए एहतजाज किया था, लिहाजा मुस्तकिल बारिश के पानी में कार को फंसते देखा गया जिसकी तस्वीर वायरल हो गई है। कार मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों को अक्सर हमने देखा सुना है, पर साइकिल चोरी करने वाले शख्स को भी गिरफ्तार किया गया। सतीश तेरनी नामी शख्स जो हुक्केरी तालुका तेरनी गांव का है, इसने तकरीबन 13 साइकिलों की चोरी की है जिसकी कीमत 25,000 होने की बात कही जाए। कर्नाटक अदालत ने 10वीं के इम्तिहान ना लेने की अर्जी को खारिज करते हुए हर हाल में इम्तिहान होंगे ऐसा कहा। 19 से 22 जुलाई तक इम्तिहान लिए जाएंगे ऐसा तालीमी महकमा की जानिब से कहा गया। अब अहम मौजू पर एक नजर। जिंदगी मौत का मालिक अल्लाह है। इंसान की मौत और रिस्क हमेशा इसे तलाशती रहती है। कोई सोच भी नहीं सकता कि मौत कब और कहां आने वाली। लिहाजा कल बिजली गिरने से तकरीबन 15 लोगों की मौत होने की बात कही जा रही है। एक किले पर तफरी के लिए गए लोग जो सेल्फी ले रहे थे, इन पर बिजली आ गिरी और इसमें तकरीबन 15 से भी ज्यादा लोगों के मरने की बात कही जा रही है। धर्मशाला जिन्हें भगवानों की जमीन कहा जाता है, यहाँ पर बारिश ने अपना कहर ढाया। एक और इत्तला के मुताबिक 100 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। खैर इसे मीडिया कवरेज तो नहीं मिला, पर इस खबर से इतनी सीख जरूर मिलती है कि मौत से कोई बच नहीं सकता। इस मौजू पर बोलना इसलिए भी जरूरी है कि कोरोना की तीसरी लहर की भी बात कही जाए। मैं ये नहीं कहता कि वैक्सीनेशन लेना है या नहीं, क्योंकि आवाम दो गिरोह में तकसीम है, दो गिरोह में बट चुकी है। कुछ लोग वैक्सीनेशन की हिमायत कर रहे और अक्सर लोग वैक्सीनेशन लगा रहे, लेकिन कुछ लोग हैं इन्हें भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनकी भी बात आपके सामने रखना जरूरी है। अगर यह लहर आती है, इनकी तीसरी लहर आती है, तो कितने लोग मर सकते हैं इसका भी अंदाजा लगाया जा रहा है। क्या आज के जदीद तरक्कियाते आले इंसान की मौत को रोक सकते हैं? क्या वाकई इंसान की मौत को वैक्सीन रोक सकती है? कोरोना पहली लहर और दूसरी लहर के इम्कान जाहिर किए जाते हैं, तो इसे रोका क्यों नहीं जाता? वैसे तो वैक्सीन लेने के बाद भी मरने वालों की बड़ी तादाद है, पर बताया यह जाता है कि अगर आप WHO का कहा नहीं मानोगे तो खसारों में आ जाओगे। कई इल्मी दानिश्वर यहाँ तक कि दीनी रहनुमाओं ने भी वैक्सीनेशन को ऐसे बताना शुरू किया है कि मान लो अगर आपने वैक्सीन नहीं ली तो आपकी मगफिरत ही नहीं होगी, जबकि कई लोग वैक्सीन लेना नहीं चाहते और अगर कुछ वैक्सीन लेना भी चाहते हैं तो वैक्सीन नहीं मिल रही। कुछ लोगों को तो बिना वैक्सीन के ही सर्टिफिकेट मिलने की बात कही जा रही है, जिस पर एतराजात भी दर्ज किए जा रहे हैं। पर सवाल ये उठता है कि मौत एक सच्चाई है जिसका इल्म महज अल्लाह को ही है। यह बात इसलिए कहना जरूरी है कि कोरोना और वैक्सीन पर भी आवाम दो धड़ों में बटी हुई है। वैक्सीन के बारे में गलत फहमियां फैलाने का भी इल्जाम लगाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर फ्रेंच नोबेल प्राइज विनर लूस मोंटेग्नियर के हवाले से कहा गया था कि अगर किसी ने यह वैक्सीन लगाई तो 2 साल में इसकी मौत हो जाएगी, पर इसे बाद में फर्जी खबर कहा गया। अब साइंस और इस्लाम भी कई जगह पर इत्तफाक नहीं रखते। जैसा कि इंसान जैसे पहले बंदर था कि थेरी समझाई जाती थी, जबकि इस्लाम इस चीज को नहीं मानता। लिहाजा ईमान का अपना दायरा है जिसमें आसमानी किताबें फरिश्ते जिंदगी मौत का इल्म अल्लाह ही को है। सवाल तो पूछने वालों ने यह भी पूछा कि जब इंसान का दुनिया में आना और दुनिया से चला जाना इसका वक्त जगह पहले से ही तय है, तो क्या वैक्सीन मौत को टाल सकती है? जब कोरोना वायरस चीन की वुहान शहर से निकला कहा जाता है, यानी कि उस वहीं के एक लैब से निकला है, यानी कि इंसान ने इसे बनाया है, तो फिर इसे आलमी वबा क्यों कहा जाता है? कुछ लोग तो दूसरे की दलील पेश करते हुए कहते हैं कि क्या वो लोग पागल है, यानी कि सऊदी काबे को बंद कर दिया, अरब ममालिक ने तो 100% वैक्सीनेशन लिया, तो क्या वो सभी मर जाएंगे या फिर वो लोग गलत है? ऐसे कई सवाल पूछे जाते हैं। लिहाजा मौत एक सच्चाई है, लेकिन एहतियात और हिकमत ये भी अपनी जगह दुरुस्त है। कुछ लोग वैक्सीन के खिलाफ है तो इनके पास भी कुछ दलील है। वही WHO कहीं पर भी 100% यकीन के साथ वैक्सीनेशन पर भरोसा नहीं दे रहा। वही कुछ लोगों का कहना है कि जब कोई शख्स वैक्सीन के बाद भी पॉजिटिव होता है तो कहते हैं कि इसकी इम्यून सिस्टम कमजोर है, और अगर बच जाता है तो कहते हैं कि वैक्सीन ने बचाया, यानी कि चित भी मेरी और पट भी मेरी। कई देहातों में वैक्सीन की मुखालिफत की जा रही है। इनके जहनों में आबादी को कंट्रोल करने के लिए वैक्सीन पर इतना जोर देने की बात कही जा रही है। सवाल तो अफ्रीकन कंट्रीज का भी पूछा जा रहा है कि जिस मुल्क में खाने को खाना नहीं वहां क्यों कोरोना नहीं जाता।
आखिर भारत को ही पहले नंबर में क्यों कोरोना को आना था, कई सवाल आज भी पूछे जा रहे हैं कई इल्मी दानिशों का। कहना है कि हुकूमत आवाम को सही तरीके से ना तो कोरोना के बारे में समझा पाई है और ना ही वैक्सीनेशन पर, लिहाजा देहातों में बढ़ती मुखालिफत इसकी वजह कह सकते हैं। बिहार यूपी के कुछ जगहों पर तो टीकाकरण करने गए कारकुनों पर ही हमला किया गया। खैर, एक बार बिजली से मरने वालों की मौत के बाद मौत तो किसी जगह पर भी दबोच लेती है, इसका एहसास हो जाता है। इंसान अगर बंद किले में भी महफूज रहे, मौत उसको दबोच ही लेती है। जिंदगी और मौत की रेस में इंसान हर रोज दौड़ता रहता है, जब मौत जीत जाती है तो इंसान का खेल खत्म होता है, और यही सच्चाई है। फिर तुम कितने ही वैक्सीन के डोज लगवा लो। इत्यादि देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।